सो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। एंड इसमें आपको प्रो कबड्डी को लेकर टॉप 5 अपडेट्स बताने वाला हूँ। एंड जो पांचों अपडेट्स है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। तो दोस्तों वीडियो ना लगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी के एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो इसे बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस हमें सबसे पहले अपडेट संदीप नरवाल को लेके आया है। अब यहाँ पर दोस्तों सभी कबड्डी फैंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बिकॉज हमें संदीप नरवाल अर्जुन अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेटेड हो चुके हैं। यानी कि अर्जुन अवार्ड 2021 संदीप नरवाल को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है संदीप नरवाल के लिए। एंड वही बात की जाए दूसरी अपडेट की, तो गाइस हमें दूसरा अपडेट अवार्ड को लेके आया है। यहाँ पे एक और कोच को यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, यानी कि उनके लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, जिनका नाम है अशान कुमार। एंड अशान कुमार एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस कोच है। एंड यहाँ पे पुनेरी पटन के टीम को भी कोचिंग कर चुके हैं, यानी कि कोच रह चुके हैं। एंड यहाँ पे इनको भी द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 मिलने वाला है। यानी कि दोनों ही जो प्लेयर्स है, यानी कि एक कोच एक इन प्लेयर्स है, वो यहाँ पे डिजर्व करते थे अवार्ड के लिए। एंड यहाँ पे दोनों ही जन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, जो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम, जो यहाँ पे कबड्डी को एक अलग ही लेवल पे ले जा चुके हैं। एंड यहाँ पे एक जन यहाँ पे अर्जुन अवार्ड जीत रहा है एंड दूसरे जन यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड जीत रहा है, जो यहाँ पे बहुत ही प्राउड मोमेंट दोनों ही प्लेयर्स के लिए है। तो गाइस यहाँ पे आप इन दोनों ही प्लेयर्स को यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में विश कर दीजिएगा। एंड वही भी दोस्तों बात की जाए तीसरी अपडेट की, तो गाइस यहाँ पे तीसरा अपडेट यू मुंबा को लेके आया है। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यहाँ पे तमिल सलावस की टीम ने अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेला है। एंड यहाँ पे यू मुंबा की टीम ने भी अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेल लिया है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो स्क्वाड है उनमें से दो टीम बन जाती है, एंड उसी दो टीम के बीच में एक बहुत बढ़िया सा मैच होता है। एंड जो मैच जीतती है वो यहाँ पे टेलीग्राम या फिर अपने सोशल हैंडल्स पे जो टीम है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर देते। तो गाइस ऐसे ही हुआ, यहाँ पे कल के दिन यू मुंबा की टीम ने अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेला है। एंड उसमें दो टीम बनी थी, एक टीम ए एंड एक टीम बी थी। अब यहाँ पे प्लेयर्स के नाम मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ऊपर वाले में टीम ए है एंड नीचे वाले में टीम बी है। इन दोनों टीम्स के बीच मैच हुआ था। एंड जो मैच के रेफरी थे वो यहाँ पे अभिषेक सिंह थे, यहाँ पे मतलब कि यू मुंबा की टीम ने इन्फॉर्म किया था। एंड यहाँ पे बात की जाए विनर की, तो गाइस यहाँ पे स्कोर ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि इतने पॉइंट से ये टीम जीत गई, लेकिन जो विनिंग टीम है वो यहाँ पे बता दिया गया। यानी कि जो एक टीम ए थी वो यहाँ पे मैच जीत चुकी है। एंड उसी को लेकर यहाँ पे यू मुंबा की टीम ने ये भी बता दिया कि ये टीम जो प्रैक्टिस मैच है वो जीत गई। इतना तो चलो अच्छा है कि यहाँ पे यू मुंबा की टीम इन्फॉर्म कर रही है। अब मुझे लगता है कि आगे जाके और भी जो प्रैक्टिस मैचेस हो गए वो यहाँ पे मे बी लाइव टेलीकास्ट कराए, या फिर स्कोर बताए इस प्लेयर ने इतना स्कोर किया। मुझे ऐसा लगता है कि और टीम्स कर सकती है, लाइक पटना पायरेट्स हो गई, बेंगलुरु बुल्स की टीम हो गई, ऐसा हो सकता है। बिकॉज अभी यू मुंबा की टीम ने इतना ही कुछ कर दिया, बहुत बड़ी बात है। अब लेट्स सी क्या होता है, आने वाली जो टीम्स है वो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे जो प्रैक्टिस मैचेस है वो खेलने वाली है। तो चलो से बात करते हैं चौथे बड़ी अपडेट की। तो गाइस चौथा बड़ा अपडेट 48 हरियाणा स्टेट जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप को लेके आया है। अब यहाँ पे दोस्तों एक नया कबड्डी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। अभी जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पे 30 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में खेला जाएगा। दो ही दिन का टूर्नामेंट होने वाला है। एंड ये मतलब कि पर्सनली हरियाणा के लिए खेलने वाले, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही खेलने वाले। एंड जो टूर्नामेंट है यहाँ पे जूनियर प्लेयर्स का होने वाला, सीनियर प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। एंड जो भी अपडेट्स है वो यहाँ पे आपको कबड्डी अड्डा के मतलब कि जो वेबसाइट उस पर देखने को मिल जाएगी एंड यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। इसको लाइव स्ट्रीमिंग को लेके जो भी अपडेट निकल के आता है, आखिर कौन से यूट्यूब चैनल पे ये टूर्नामेंट लाइव कराया जाएगा, जो भी अपडेट निकल के आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर देने वाला हूँ। तो चलो सब बात करते हैं पांचवी अपडेट की। तो कैसे हमें पांचवा अपडेट तमिल थलावस को लेके आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तमिल थलावस की टीम ने अपना नया टाइटल स्पॉन्सर अनाउंस कर दिया, जो यहाँ पे परी मैच न्यूज है। एंड यहाँ पे इनका नया जर्सी भी यहाँ पे आउट हो चुका है, थोड़ा चेंजेस हमें देखने को मिला है एंड टाइटल स्पॉन्सर के साथ हमें देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमिल थलावस की टीम का ये ट्रेनिंग की ट्रेने वाला सीजन 8 के लिए, एंड आपको टाइटल स्पॉन्सर भी देखने को मिल जा रहे हैं। एंड थोड़ा थीम बहुत ही सिंपल जर्सी, यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें मतलब कि जब बस लोगो में देखने को मिले, थोड़ा सा थीम चेंज हुआ है। अब लेट सी क्या होता है, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेनिंग किट है। जो मेन जर्सी है वो यहाँ पे बहुत ही जल्दी सभी टीम्स अनाउंस कर देने वाली। अभी तक सिर्फ मुझे लगता है पटना पायरेट्स का जर्सी अनाउंस हुआ, जो यहाँ पे मैंने आपको व्हाइट कलर वाला दिखाया था, जो यहाँ पे पटना सचिन तन्वर ने पहना था वही सिर्फ हुआ। अदरवाइज बाकी सब टीम्स की जो जर्सी है वो यहाँ पे अभी तक ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है। पुनेरी पलटन की टीम भी है एक। अब जो भी होता है इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला कि सभी टीम्स की जर्सी के ऊपर। अभी और टीम्स का जर्सी आने दीजिए, जैसे ही आ जाता है उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसमें मैं आपको प्रो कबड्डी के टॉप 5 अपडेट्स बता दिए। एंड कौन सा अपडेट आपको सबसे बढ़िया लगा एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।